दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। शिवा चौक नगला इंक्लेव पार्ट वन से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। एक आधी छत गिर गई, दो बच्चे दब गए जिसमें से एक बच्चे की दुखद मौत हो गई। अभी जेजेपी नेता और एनआईटी 86 विधानसभा के भावी उम्मीदवार करामत अली यहाँ पर पहुंचे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। करामत जी नमस्कार। नमस्कार। दुखद हादसा हुआ है, दो बच्चे दब गए, एक बच्चा दब गया। धर्मेंद्र जी बड़ी दुख की बात है ये और बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी जिंदगी खेलना ही शुरू किया था और आज वो हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। उन माँ बापों के साथ बड़ी दुखद खबर है और उनके साथ क्या बीत रही होगी ये तो भगवान ही जाने। तो मैं तो बस ये प्रार्थना करूँगा कि भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति दे और परिवार वालों को सब्र अता फरमाए। और जिसका भी ये मकान है, मैं उससे भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इंसानियत के नाते देखो, घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं और कब किसके साथ हो जाए ये किसी के हाथ में नहीं है। उसे इंसानियत को आगे रखते हुए, दिखाते हुए उसे आगे बढ़कर आना चाहिए, उस परिवार को गले लगाना चाहिए, उस परिवार के दुख में शरीक होना चाहिए और जो गलतियां हुई हैं उसके पर वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उसकी भरपाई की जा सकती है, उनका कुछ मरहम लगाया जा सकता है। इस दुखी की घड़ी में उनके कंधे पे हाथ रख करके उनको खड़ा होना चाहिए और आना चाहिए। मेरा ये माध्यम, मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि भाई किसी का भी सही मकान है, जितनी मुझे ये नहीं पता कि किसका मकान है ये, मगर जिस भाई का भी है मैं आपसे माध्यम से कह रहा हूँ वो आगे बढ़ करके आए और परिवार वालों से बात करे और इस दुखी घड़ी में उनका साथ दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। एक घर का खेलता हुआ चिराग उनके हाथों से चला गया, बड़ी अफसोस और दुख की बात है। बच्चे को पता भी नहीं रहा होगा इस तरह का हादसा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तीन बच्चे खेल रहे थे, एक का नाम रिजवान है और दो बच्चे और हैं जिनको चोट आई है। वो बच्चे एक ही पेरेंट्स के थे? नहीं नहीं, ये अलग अलग पेरेंट्स के हैं। तीनों बच्चे गली में खेल रहे हैं, अलग अलग पेरेंट्स के हैं। रिजवान की मौत हुई है, रिजवान की मौत हुई है और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई जो रिजवान की मौत हुई है उस परिवार के साथ मैं इस दुखी घड़ी में तन मन धन से उनके साथ खड़ा हूँ। मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मेरी अभी SHO सारण से बात हुई है, SHO साहब ने कहा है कि जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी उसे हम करेंगे और चौकी इंचार्ज से भी बात हुई है। तो देखते हैं, अभी तो बच्चे डेड बॉडी तो मिली नहीं है, शायद सुबह पोस्टमार्टम होगा, तो जब पोस्टमार्टम होने के बाद में जो कानूनी कार्रवाई बनेगी उसे करेंगे। चार पाँच साल है। जो जैद है घायल है उसकी हालत कैसी, कोई जानता है? वो भी सीरियस है, उसके भी हाथ पैर में चोट है, वो भी सीरियस है, वो भी अच्छा नहीं है। तीसरा बच्चा खतरे से बाहर है, जो दूसरा बच्चा है उसको सीरियस है, तीसरा खतरे से बाहर है और एक बच्चे की मौत हो चुकी है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा, देखो ये इंसानियत के नाते बच्चा है और उसकी तो अभी जिंदगी शुरू भी हुई, अभी चार पाँच साल हुए ऐसे। अभी आज जैसा मैं देख रहा हूँ कि रिजवान नाम है, अभी ईद आने वाली है, त्यौहार चल रहा है, रमजानों का महीना चल रहा है और ऐसे में अल्लाह ताला की तरफ से और भगवान की तरफ से उसे ऐसा दिन देखना पड़ा, ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुख की घड़ी है। मैं तो न्याय की लड़ाई में आप साथ नहीं, न्याय की लड़ाई में देखिए मैं, हमारी कोई इनसे जाति दुश्मनी तो किसी से है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि भाईचारे पड़ोसी हैं, वो हमारे भाई हैं, वो आगे बढ़ करके आए और परिवार को गले लगाए और भाई नहीं आएंगे तो वो कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, कानूनी कार्रवाई जो बनती होगी वो करेंगे और इस लड़ाई में मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, तन मन धन के साथ उनके साथ रहूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद। और जिनका ये मकान है वो अभी तक सामने नहीं आया? नहीं, अभी तो कुछ अभी कोई नहीं आया सामने, उनको पता था पहले भी गिर चुका है ये, जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं, पहले भी लेंटर गिर गया था इसमें से, टूट के आधा हिस्सा पहले भी गिर गया था, तब भी उन्होंने इस पे संज्ञान लेना चाहिए था कि भाई जर्जर हो चुका था, टूटना चाहिए पूरी तरह से, इसका लेना चाहिए था संज्ञान, उन्होंने पहले भी नहीं लिया और फिर दोबारा से हादसा हो गया और आज बच्चे की जान चली गई। ठीक है जी, करामत जी ठीक है। तो आइए दिखा देते हैं मलबा कहाँ पर गिरा है और दुर्घटना कहाँ पर हुई है। आप लोग देख रहे हैं कि सारा मलबा है जो जमीन पर है और ये छत आधी टूटी हुई है, जो आप देख रहे हैं गाटर है वो झुक गया है, आप लोग देख रहे हैं, और ये सारा मलबा बच्चों के ऊपर गिरा है और दुर्घटना बड़ी हुई है, दर्दनाक हुई है। शिवा चौक है नंगला इंक्लेव पार्ट वन, पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी के अंडर में ये एरिया है, सारण थाना पड़ता है। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया था और यहाँ पर जो भी कार्रवाई चल रही है आगे आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।